डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का खूबसूरत तरीन रेजिडेंशियल मंसूबा आइडियल गोल्ड विस्टा, पूरे शहर में धूम मचा देने वाली खूबसूरत तरीन एलिवेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी तमाम एनओसीज आ चुकी है। आइडियल गोल्ड विस्टा की प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव है और इसमें बायर के लिए लोन की फैसिलिटी खास तौर पर इंक्लूड की गई है। आइडियल गोल्ड विस्टा एक ऐसा रिहायशी मंसूबा जो कि दरमियानी आमदनी वाले लोगों के एक्सेस में हो। मेरा नाम सैयद मोहम्मद इरफान आलम है और मैं डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग आइडियल गोल्ड विस्टा। दिस इज मोहम्मद शहरोज, ब्रांड मैनेजर आइडियल ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि वाकई है नाजम नंबर 4 में, और इसके जो लोकेशन है वो अनुभाई पार्क और नाजम अजीम खाना के दरमियान में वाकई है। आइडियल गोल्ड विस्टा के इर्द गिर्द तमाम एमिनिटीज मौजूद हैं। तमाम वो लोग जो चाहते हैं कि एक ऐसी जगह रिहाइश की जाए जिसके इर्द गिर्द बेहतरीन स्कूल हों, मस्जिद बहुत नज़दीक में हो, तमाम शॉपिंग सेंटर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स दो दो गली की नज़दीकी पर, और इसके अलावा फ्लैट के नीचे ही एक बेहतरीन शॉपिंग मॉल होना, ये तमाम इस प्रोजेक्ट की खास खूबियाँ हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे जो खूबसूरत और सबसे जो अब तक जो कि चूँकि प्रोजेक्ट अभी तामीरात की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है वो इस प्रोजेक्ट का एलिवेशन है, जो अब तक की तमाम जो रवायती तामीरात से हट कर है। इस प्रोजेक्ट की एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए हमने अपने सेलेबल एरिया को जो है वो माइनस करते हुए इस एलिवेशन को स्टेप डाउन में लेते हुए आए हैं। एक रवायती तामीरात से हट कर हमने इसकी एलिवेशन डिज़ाइन कराई है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हाई स्पीड लिफ्ट्स हैं, कार्गो लिफ्ट्स सेपरेट दी गई हैं ताकि आपकी शिफ्टिंग वहाँ पर आसान बनाई जाए। इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर RO प्लांट सिस्टम, जो कि कराची जैसे शहर में पानी के मसले को रिजॉल्व करता है और बहुत सारी पानी की रिक्वायरमेंट खुद ज़मीन से जनरेट करके अपने तमाम रिहायशी को प्रोवाइड करेगा। सबसे अहम तरीन जो चीज़ होती है वो एक इंसान जो कि मिडिल क्लास के दसरस में आता है या नहीं आता है, तो ये प्रोजेक्ट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी प्राइसिंग के हवाले से जो कि इसके अंदर हम सहूलियात देने जा रहे हैं उसके मवाजाना अगर हम उसकी कीमत से करें तो एक आपको हैरान कन प्राइस के अंदर एक 7-स्टार फैसिलिटी का जो है प्रोजेक्ट जिसमें आप अपना अपार्टमेंट बुक करा सकते हैं, तो प्रोजेक्ट इसके थ्रू हम आपको देने जा रहे हैं। और इस बिल्डिंग पर बिजली गिरने की जो प्लानिंग की जाती है कि वो ना गिरे वो की गई है, अर्थक्वेक उसमें मैक्सिमम रेंज पर इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया है। इसके अलावा छोटी छोटी बारीक प्लानिंग जिसमें ख़ास तौर पे औरतें दिलचस्पी लेती हैं कि जैसे बच्चे सॉकेट में हाथ डाल देते हैं और हाथ से हो जाते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम कि पूरी बिल्डिंग के पूरा फ्लोर और अपार्टमेंट ट्रिप कर जाए और किसी को कोई ख़तरा या हादसा पेश ना आए, तो ऐसी तमाम प्लानिंग भी इसमें की गई है। और इसके अलावा औरतों के लिए एक और ख़ास बात कि किचन के अंदर डक सिस्टम का होना कि वेस्ट को फौरन आप डक के थ्रू रिमूव कर दें और सफाई को एंजॉय करें, इस बात का ख्याल रखा गया है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जिसका रकबा टोटल 4160 गज है, जो कि वाइब्रेंट कमर्शियल प्लॉट है, इसमें हमारी टोटल जो सबसे पहले हमने जिसमें चीज़ को मद्देनज़र रखा वो है वसीतर कार पार्किंग। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है लोअर अपर फ्लोर के अंदर कमर्शियल मॉल दिया है जिसके लिए हमने अलग से पार्किंग मुख्तस की है, और उसी के साथ साथ बेसमेंट में हमने एक पार्किंग गैस के लिए मुख्तस की है। इसके बाद हमने 4 फ्लोर जो है वो रेजिडेंस एरिया के लिए मुख्तस किए हैं जिसमें हमारे अपार्टमेंट से डबल पार्किंग अवेलेबल है, यानी एक यूनिट के ऊपर 2 पार्किंग का रेशो आता है, जो कि मैं चैलेंज करता हूँ कराची में किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इतनी वसीतर कार पार्किंग को मुहैया नहीं किया जाता होगा आज से पहले। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर जॉगिंग ट्रैक का ख्याल रखा गया है, हमारी नई यूथ को जॉगिंग प्रीमिसेस के अंदर हो, सिक्योर्ड हो। इसके अलावा बिल्डिंग के अंदर जिम का होना, कम्युनिटी हॉल होना कि छोटी मोटी तकरीबात फ्लैट के अंदर की जा सकें। इसके अलावा बच्चों के लिए प्ले एरिया, बूढ़े लोगों के लिए मस्जिद का होना, छोटी मोटी बीमारियों के लिए पोली क्लिनिक होना और टक शॉप होना कि छोटी मोटी ख़रीदारी आप फ्लैट के अंदर से ही कर पाएँ। हमारी प्लानिंग के अंदर जो है जो यूनिट वाइज जो हमारी प्लानिंग है इसमें हमने 4-बेड 3-बेड 2-बेड के जो अपार्टमेंट रखे हैं और हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। इसमें हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और तमाम लोगों के लिए हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है जिसमें एक कम्युनिटी की शक्ल में तमाम लोग एक ही जैसी फैसिलिटी को अवेल करते हुए इस प्रोजेक्ट को अवेल कर सकते हैं। मैं कराची में रहने वाले तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि वो एक दफ़ा ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट पर आएँ, विज़िट करें, हमारे शेड्यूल को देखें,
हमारा शेड्यूल जो है वो इंतहा इकनॉमिकल और बहुत ही आसान अकसायात में मबनी है। आप अपनी रोज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत मामूली सी बचत करके एक इंतहाई सहूलियात के हामिल प्रोजेक्ट में अपने अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं। और ये एक ऐसा मंसूबा है जिसमें रहने के बाद आपकी ज़िंदगी आसान है।